स्वागत है आप सभी का द गीता सीरीज में श्री मद भगवत गीता। पहले हम कुछ जानकारियां इकट्ठी कर लें कि आखिर ये गीता किन बारे में बात करती है, किन मुद्दों को उजागर करती है, हमें इनसे क्या सीखने को मिलेगा, इनके पीछे की कहानी क्या है। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्री मद भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता की गणना प्रस्थान त्रयी में की जाती है जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। हिंदू धर्म के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं वेद। वेदों के चार भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार या निचोड़ गीता में है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ है। गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया था। वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया था। श्री कृष्ण उस समय योग आरूढ़ थे। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म यानी ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि, उत्पत्ति, जीवन विकास क्रम, हिंदू संदेशवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी, देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्व जन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी मौजूद है। श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी। संभवतः उस दिन रविवार था और मैं भी कल यानी रविवार से ही मैं इसका पाठन आरंभ करूंगा। उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने एक श्लोक कहा है। गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। दरअसल यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। महाभारत में ही कुछ स्थानों पर उसका हरि गीता नाम से उल्लेख हुआ है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटक कर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था। वह भी ऐसे समय जबकि सेना मैदान में डटी थी। एक तरफ धर्म की सेना, एक तरफ अधर्म की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना, एक तरफ कौरवों की सेना। ऐसे में श्री कृष्ण को उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनिया भर की भाषा में सबसे ज्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, टिप्पणी, निबंध, शोध ग्रंथ आदि लिखे गए हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुज, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, भास्कर, बल्लभ, श्रीधर स्वामी, आनंदगिरी, मधुसूदन, सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, बाल गंगाधर तिलक, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, महर्षि अरविंद घोष, एनी बिसेंट, गुरुदत्त, विनोबा भावे, स्वामी चिन्मयानंद, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी नारायण, जयदयाल गोयंदका, ओशो रजनीश, स्वामी क्रियानंद, स्वामी राम सुखदास, श्रीराम शर्मा आचार्य आदि सैकड़ों विद्वानों ने गीता पर भाष्य लिखे या प्रवचन दिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गीता के उपदेशों पर चलकर न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने होती है
तो अर्जुन अपने बंधुओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब उनके सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए, इससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा।